हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी कटोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 23 तारीख को जो पेपर हुआ है उसकी मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस, और 75 क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हुए हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार कि उनके आंसर क्या होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट में समरूपता वाला क्वेश्चन था, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, GHTS। नेक्स्ट है, बेशल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचार में, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये है बैंकिंग सेक्टर से। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने किस गांव में संस्कृत विद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी? मुंदरी गांव में। हरियाणा में मटके जो है ये चक्र पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, चाक पर, ठीक है। विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अगर दिल्ली को CCIDD के रूप में कोडित किया जाए और बॉम्बे को, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। फागुन नृत्य जो है ये फाल्गुन के माह में किया जाता है। वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से कम है, तो वो है रस समीकरण समिति, क्योंकि ये केमिस्ट्री की जो है ब्रांच होती है, बाकी तीनों जो है मैथ से रिलेटेड है। उसे चुनिए जो बाकी से अलग है, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी जो है तीनों वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट, सॉरी, भाज्य है, भाज्य तो इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि दो हैं फिर इसमें भाज्य, 57 भी और 15 भी, तो इसमें मे बी 7 हो, क्योंकि बाकी का जो एडिशन है वो कोई सम संख्या आ रहा है, जैसे 12 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो मे बी इसमें आंसर 7 हो सकता है, श्योर नहीं है इसमें। हरियाणा की मुख्य फसल कौन सी है? तो वो है मुख्य खरीफ फसल पूछी थी, चावल है खरीफ फसल। इसमें देखिए नेक्स्ट जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 13, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GJMP। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन है? धर्मवीर। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है कवरती। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई पूछी थी, यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, तो ये होती है KKG mol, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम मैंने करवाए थे आपको, तो देखिए ये होते हैं प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, परसेंटाइल में भी होता है, ठीक है, मतलब मॉड्यूलो में, और ये डिवाइड में भी होता है, और स्टार मल्टीप्लीकेशन में होता है, इक्वल टू ये नहीं होता है, नॉट इक्वल टू वाला, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में स्थापित किया गया था। इसमें विषम चुनना था, तो इसमें लेखन जो है अलग हो जाएगा। अलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस विद्वान द्वारा रचित है? तो ये हरिशेण द्वारा रचित है। हरियाणा का यमुनानगर को क्या कहते हैं? कागज का शहर कहा जाता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? नंदन नीलकेणी समिति का। चरखी दादरी जो है ये दिसंबर 2016 में बना था, ठीक है, वैसे तो नवंबर माना था पिछली बार, इस बार दिसंबर माना है, HSC वालों का कुछ नहीं पता क्या मान रही है। अगला देखिए, HSIDC has developed an industrial model township at, तो कहां पर जो है विकसित किया है ये? गुरुग्राम नहीं, मानेसर में विकसित किया, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। श्रृंखला पूरी करनी थी, तो इसमें 123 जो है राइट आंसर होगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरव गांगुली की। ओके, नेक्स्ट देखिए, नोट्स जिनमें कोई चिल्ड्रन नहीं होता उसे कहा जाता है लीफ नोट, ये भी जो है उसमें से पूछा गया है, NCERT में से, ठीक है, जो SQL वाला, SQL नहीं सॉरी, स्टैक और क्यू वाला जो सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें से आया ये क्वेश्चन। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? मेवात की पहाड़ी से। संख्या वर्ण समूह चुने जो दूसरों से अलग है, तो वो है 12M, बाकी सही है। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो अंबाड़ी में। कोने और किनारों की सेट जो उन्हें जोड़ते हैं, मतलब सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस जो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है, डी ऑप्शन। हासी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया, क्या कहलाता है? तलवार का किला कहलाता है। कौन सा समूह जो है संबंधित नहीं है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हैव वाला। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी एकल वर्ग, इफ ए नंबर ऑफ क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास, इट इज कॉल्ड एज, इनहेरिटेंस करवाया था मैंने ये भी, तो देखिए इसमें क्या गया, एक बेस क्लास और उसमें से जो है एक से ज्यादा जो है क्लासेस निकली हुई है, तो ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिश्रेणिक। नेक्स्ट देखिए, समरूपता पूर्ण करनी थी 43 में, तो इसमें KDSM जो है सही होगा। ओके, नेक्स्ट, पॉइंटर पर कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? तो देखिए पॉइंटर होता है एड्रेस के लिए, और इस पर होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जोड़ और माइनस हो सकते हैं। आगे देखिए, एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, तो ये थी तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जहां भारत दुनिया में 140वें स्थान पर है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। कश्मीर क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो हिसार में। कार्बोंडम क्या है? तो ये है सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया था, तो ये भी प्रोग्राम भी हमने बिल्कुल किया हुआ है, रेंज वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे, तो इसमें 2 से लेकर 4 तक पूछा गया है रेंज जो दी गया है। तो देखिए, इसमें 2 का मतलब होता है 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 और 3, 4। इसमें जो है फर्स्ट वाला तो लेते हैं हम और लास्ट वाला नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट में 2 पे देखिए 30 आया है और फिर देखिए 3 पे 40 आया, तो 30, 40, लास्ट वाला नहीं लेंगे, तो 30, 40 जो इसमें प्रिंट हो जाएगा टी की वैल्यू। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, शूरों की सर्वाधिक आबादी ये पाई जाती है सिरसा में। आगे देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थापित किया गया 1986 में। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था। ओके, संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई खुशहाली रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान है 140वां। फंक्शन कॉल को फंक्शन परिभाषा से जोड़ने की प्रक्रिया पढ़ा था हमने, ये डाटा और फंक्शन को एक साथ करते थे सिंगल यूनिट में, वो होता है एनकैप्सुलेशन, बी ऑप्शन। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? वैसे तो ये 1981 में हुई थी स्थापना, बट ऑप्शन में 80 है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें विषम चुनना था, तो इसमें जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा घन। ठीक है, घन, एक मिनट, वैसे त्रिकोण भी हो सकता है क्योंकि इसमें 3 ही होती है, घन वर्ग आयत में जो है 4 और घन में 4 से ज्यादा होते हैं। ओके, कंफ्यूजन है इसमें, आप बताइएगा कौन सा जो है सही होगा। त्रिकोण भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, वर्ग आयत तो नहीं होंगे, मे बी त्रिकोण ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है, रिट जारी करने का? तो वो है अनुच्छेद 32 इन इट। ये एसआई में पूछा गया था, प्रीवियस वही क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार आया था, तो मैं करवा चुकी हूँ। इनिट क्या है? एक कंस्ट्रक्टर क्लास है, तो क्लास कंस्ट्रक्टर जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, द फर्स्ट मीटिंग रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज हेल्ड एट पानीपत 1990। तो 1920 में हुई थी ये बैठक, कहां पर? अक्टूबर 1920 में पानीपत में हुई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय के उसमें, तो यहाँ पे 1920 आना था, 1990 नहीं। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, वैसे रास बिहारी बोस था, बट इसे संभाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने था। शीत युद्ध के कारण कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसमें डाउट है, देखिए इसमें पूछा गया नहीं हुई थी, वर्षा की संधि जो थी वो हुई थी। ठीक है, नाटो भी कभी जो है गठन हुआ था, नेम तो है ही नहीं, तो नॉट श्योर, इसमें श्योर नहीं है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। आगे देखिए, श्रृंखला पूर्ण करनी थी 9, 17, 33, 65, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 72 का 129 हो जाएगा। ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड इसके लेखक कौन है? मलाला यूसुफ जई। मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? कंकर के नाम से। आगे देखिए, क्विक्सोटिक इसका जो है अपोजिट बताना था, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रैक्टिकल, क्यों क्विक्सोटिक क्या होता है, ख्याली या इमेजिनरी कह सकते हैं, तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, 79 में देख लीजिए, रीटेंटिव का क्या बताना था? सिनोनिम बताना था, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 76, वी आर गुड फ्रेंड्स वी डैश ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वी हैव नोन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीइंग ए कोल्ड डे नाइदर माय फ्रेंड नोर आई वाज इन ए मूड गो आउट, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीइंग में जो है मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि बीइंग के सामने इट भी आना था, इट बीइंग ए कोल्ड डे। ठीक है, आगे देखिए, इट्स लेट इट्स टाइम वी वेंट होम, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, कॉलिन टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब विच ही इज एंजॉइंग वेरी मच, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सिलेक्ट ए वर्ड और फ्रेज, इफ यू नीड ए कोट यू विल हैव टू बाय वन एज आई कैन नॉट गिव यू माइन, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही डिड नॉट गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बट ही डिड नॉट होगा, ही डिड नॉट होगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है, तिथि का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? तिथियां। चोर की डाढ़ी में तिनका क्या हो जाएगा? दोषी स्वयं डरता रहता है। ओके,
कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का? तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या आता है? होगा या होगी, कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं पीछे, तो पढ़ा होगा हो जाएगा। विमला से दिन में नहीं सोया जाता। ये वाक्य किसका है? तो ये देखिए, ये होता है कर्मवाच्य। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल होता है विमला दिन में नहीं सोती तो वो कृतवाच्य हो जाता है, लेकिन इसमें से लग गया। देखिए, से जो है ये भाववाच्य में भी आता है, लेकिन भाव में जो है सिर्फ अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कोई कर्म नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये होता सिंपल कि विमला से सोया नहीं जाता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? भाववाच्य हो जाता। अगर ये यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला विमला से दिन में सोया नहीं जाता, तो यहाँ पे राइट आंसर कर्मवाच्य होना चाहिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसमें है काल। राम तैरता है, तो यह है अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया गया है, तो राम तैरता है, सिर्फ सिंपल ये हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल 65 था 6 से पहले, तो ए का गय हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, लास्ट जो क्वेश्चन है वो निंदा शब्द का विलोम पूछा गया था कि क्या हो जाएगा निंदा शब्द का विलोम, तो स्तुति हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे 75 क्वेश्चंस के आंसर। किसी में डाउट लगता है आपको तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।